ये तो असल पहचान नहीं है डॉट की, क्योंकि पाकिस्तानी दो नंबर काम में माहिर है। उसके स्टैंडर्ड ये है कि आपके जो हेलमेट की बॉडी है, आउटर शेल है, कि ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होता क्या है, तो आपका हेलमेट डॉट सर्टिफाइड नहीं है। बाद जो डॉट स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हेलमेट का डिज़ाइन भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर अली ओटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओटी फिल्म्स। आज की वीडियो छोटी सी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं बात करूँगा कि अगर आप हेलमेट ख़रीदना चाहते हैं तो आपने डॉट हेलमेट को कैसे पहचानना है। डॉट की थोड़ी तफसील बताऊँगा और थोड़ी निशानियाँ बताऊँगा कि अगर आप हेलमेट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेलमेट डॉट सर्टिफाइड है कि नहीं, उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है कि नहीं पूरा उतरता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, वो ये है कि अगर आप रेगुलर बाइकर हैं, अगर आप रेगुलर बाइक यूज़ करते हैं, आपका डेली जो सफ़र है वो तकरीबन 30, 35, 40 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक लाजमी अच्छा हेलमेट यूज़ करें। और अगर आप हाईवे पे निकलते हैं तो फिर तो मस्ट है कि आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आपका घर पे वेट कर रहे होते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो घर में लोग आपका वेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि बाइक एहतियात से चलाएं और एक अच्छा राइडिंग हेलमेट ज़रूर पहने। तो अब बात कर लेते हैं डॉट सर्टिफिकेशन पे, कि ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होता क्या है। पहले बताता हूँ कि ये डॉट क्या है। तो डॉट बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यूएसए का, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं राइडिंग हेलमेट के लिए। जो हेलमेट उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है उसको डॉट सर्टिफाइड हेलमेट बोलते हैं। तो इसकी पहचान सबसे पहले तो ये है कि आपने जो हेलमेट ख़रीदना है उस पे बैक के ऊपर डॉट का स्टिकर लगा होता है, इधर कहीं डॉट का स्टिकर लगा हो सकता है। तो ये तो असल पहचान नहीं है डॉट की, क्योंकि पाकिस्तानी दो नंबर काम में माहिर हैं। तो डॉट का स्टिकर बना लेते हैं, अलग भी दे देते हैं, साथ लगा भी देते हैं। तो लेकिन ये स्टिकर के अलावा भी कुछ पहचान है डॉट सर्टिफाइड हेलमेट की। कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर जो हेलमेट पूरा उतरते हैं उनकी तफसील बताता हूँ आपको। तो जो डॉट स्टिकर होता है उस पर एक तो डॉट लिखा होता है DOT बड़े स्पेलिंग में, अल्फ़ाबेट में, बड़े अल्फ़ाबेट में, तो उसके साथ लिखा होता है FMVSS 218। तो FMVSS है फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड 218। ये मैं आपको क्लोजअप में डॉट स्टिकर दिखा देता हूँ। इस डॉट स्टिकर पे FMVSS 218 लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि ये FMVSS फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड 218 है, तो डॉट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमेरिका है। तो जो हेलमेट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड में पूरा उतरते हैं उनको डॉट सर्टिफाइड हेलमेट बोलते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने जब भी हेलमेट ख़रीदना है, थोड़ा आपने कॉस्टली ख़रीदना है, पैसे खर्च करने हैं, तो लाजमी तौर पे डॉट सर्टिफाइड हेलमेट ख़रीदें, क्योंकि इसकी सेफ्टी ज़्यादा होती है और एक्सीडेंट की सूरत में आपकी हिफाजत ज़्यादा करता है। क्योंकि जो ज़्यादातर अमवात होती हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में वो सर पे चोट लगने की वजह से होती हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छा हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलिए बात करते हैं कि डॉट हेलमेट आप पहचानेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेलमेट वाकई डॉट सर्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि स्टिकर तो जाली भी लग जाएगा। तो उसकी पहचान के लिए ज़रूरी है कि जो डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं ना, उनकी जो इनर शेल होती है, ये जो आउटर शेल है ना बॉडी है, एक इनर शेल है, एक इनर लाइनर है, वो कम से कम 1 इंच मोटा होना चाहिए और उसका मटेरियल पॉलीस्टायरीन फोम होना चाहिए, जिसको समुद्री जहाज भी बोलते हैं। वो कम से कम 1 इंच मोटा होना चाहिए, पॉलीस्टायरीन फोम का यानी कि समुद्री जहाज का एक इनर लाइनर होना चाहिए। पैडिंग उसके अलावा होगी, जो पैडिंग होती है वो उसके अलावा है, एक इनर लाइनर है 1 इंच मोटा और पैडिंग उसके अलावा। तो अगर तो आपके हेलमेट में 1 इंच की जो लाइनर है पॉलीस्टायरीन फोम की समुद्री जहाज की वो नहीं है, तो आपका हेलमेट डॉट सर्टिफाइड नहीं है। बाकी जो पैडिंग है वो उसके अलावा होती है, जो कुशन है वो उसके अलावा होता है। जो 1 इंच पॉलीस्टायरीन के इनर शेल की, इनर लाइनर की मैं बात कर रहा था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पैडिंग अलग है, ये रिमूवेबल पैडिंग है, ये उतर जाती है वाश करने के लिए, और ये अंदर इनर लाइनर है, आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, समुद्री जहाज पॉलीस्टायरीन फोम है ये शेल 1 इंच का, 1 इंच से मोटा, ये अलग है और ये पैडिंग अलग है। तो इसी तरह ये शेल अलग होना चाहिए और पैडिंग अलग होनी चाहिए।
अब दूसरी बात, वो हेलमेट का वेट है, जो डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं उनका वेट कम अज़ कम जो 3 पाउंड होता है, यानी कि 3 पाउंड से अगर हेलमेट का वेट कम है तो हेलमेट डॉट सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि 3 पाउंड 3.5 पाउंड इस राउंड अबाउट, यानी कि 3 पाउंड से ऊपर थोड़ा वेट जो है वो डॉट सर्टिफाइड हेलमेट का अलाउ वेट है। अगर 3 पाउंड की बात करता हूँ तो ये तकरीबन 1400 ग्राम बनता है, तो हेलमेट का वेट 1400 ग्राम होना चाहिए। अगर हेलमेट का वेट 1400 ग्राम से कम है तो हेलमेट डॉट सर्टिफाइड नहीं है। उसके अलावा जो चिन स्ट्रैप है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उनके ऊपर एक अच्छा मजबूत किस्म का बकल लगा होना चाहिए। ये जो चिन स्ट्रैप है इनकी क्वालिटी अच्छी हो और इनके ऊपर अच्छा एक अच्छा और मजबूत बकल लगा होना चाहिए, जो कि एमरजेंसी में यानी कि एक्सीडेंट की हालत में खुद ब खुद खुलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो, जर्क आए और ये स्ट्रैप खुल जाए और हेलमेट आपके सर से गिर जाए और हेलमेट का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए चिन स्ट्रैप्स मजबूत और अच्छा बकल, प्रीमियम बकल होना चाहिए। और उसके बाद जो डॉट स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हेलमेट का डिज़ाइन भी शामिल है। उसके स्टैंडर्ड ये हैं कि आपके जो हेलमेट की बॉडी है, आउटर शेल है, हेलमेट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए जो 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर हो, मतलब हेलमेट की बॉडी से बाहर निकली हो 1/2 सेंटीमीटर या 0.2 इंचेस से ज़्यादा बाहर हो। हेलमेट का डिज़ाइन ऐसा हो कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऊपर ना लगी हो जो कि 1/2 सेंटीमीटर या 0.2 इंचेस से ज़्यादा बाहर जा रही हो। तो हेलमेट का डिज़ाइन भी शामिल है डॉट सर्टिफिकेशन में।